नमस्कार दोस्तों, आज सुबह बारिश आई थी और नेटवर्क भी नहीं था। मैंने लाइव आने की कोशिश की थी लेकिन नेटवर्क न होने के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। तो फिर भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे व्यायाम प्रकारों की श्रृंखला दिखाने वाला हूँ जिनको आप नियमित रूप से करते हो तो आपके शरीर की जो चर्बी है वो बहुत ही जल्दी कम तो होगी ही, साथ ही साथ आपकी जो भी मांसपेशियां हैं उनमें भी शक्ति आएगी और उनका आकार भी बढ़ेगा। तो चर्बी कम करने के लिए तो आपके आहार पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो आहार पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप इस व्यायाम प्रकारों के साथ अपने शरीर की चर्बी ज़रूर घटा सकते हो। इन सभी व्यायाम प्रकारों को आपको एक के बाद एक तुरंत करना है, बीच में रेस्ट नहीं लेनी है। और ये सब व्यायाम प्रकार होने के बाद आपको कुछ देर 1 या 2 मिनट तक रुकना है, आराम करना है और फिर तुरंत इन सभी व्यायाम प्रकारों को 2 या 3 बार दोहराना है। अब शुरुआत हम चलने से या दौड़ने से करेंगे जिससे कि हमारा वार्म अप हो जाए, शरीर का टेम्परेचर बढ़े जिससे कि इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप चल भी सकते हैं या दौड़ सकते हैं, आपके शरीर के मुताबिक आप ये चूज़ करें। इसके बाद हम व्यायाम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बैठक लगाएंगे। बैठक में मैं यहाँ पर 10 बैठक लगा रहा हूँ। आप अपने क्षमता के अनुसार अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 5 ही लगा सकते हो या फिर 10, 15, 20 से भी शुरुआत कर सकते हो। बैठक के तुरंत बाद हम साधारण दंड लगाएंगे और साधारण दंड होते ही तुरंत हम हनुमंत दंड से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे शरीर का पूरा तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इसके तुरंत बाद हम पार्श्व दंड करेंगे जिससे कि हमारे एब्स भी वर्क होते हैं। पार्श्व दंड होने के बाद हम तुरंत ही सपाटे लगाएंगे। सपाटे में भी हमारा पूरा शरीर का व्यायाम होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी भी रेस्ट लेनी नहीं है, तुरंत एक के बाद एक एक्सरसाइज व्यायाम करते जाना है। सपाटों के बाद हमारी यह व्यायाम प्रकारों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ये सब भी व्यायाम प्रकारों का आपको एक के बाद एक तुरंत करना है और इन सबका 2 या 3 सेट में करना है। इसके बाद हम कुछ पेट के लिए आसन देखेंगे, योगासन, जिनसे कि आपके पेट के स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बकासन करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके कंधे भी मजबूत होते हैं। अपने घुटनों को अपने कोहनी पर रखना है और अपने पैरों को हवा में रखना है, इससे आपके एब्स भी ट्रेन होते हैं और साथ ही साथ आपके कंधे भी मजबूत होते हैं, आपके फोरआर्म्स की भी शक्ति बढ़ती है। ये आप जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतना देर होल्ड करिए। इसके बाद तुरंत हम नौकासन करेंगे। नौकासन में आपके पूरे के पूरे एब्स अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं। नौकासन के बाद हम तुरंत सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में आपके शरीर के सभी स्नायुओं का व्यायाम होता है, साथ ही साथ आपका एक हृदय का भी व्यायाम होता है और स्ट्रेचिंग भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है। मतलब सूर्य नमस्कार से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सूर्य नमस्कार भी एक बहुत ही अच्छी विकल्प है आपकी चर्बी घटाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। तो मुख्य व्यायाम प्रकारों के होने के बाद हम अंत में सूर्य नमस्कार करेंगे। यहाँ पर मैं सूर्य नमस्कार करते जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। यहाँ पर मैं 10 से भी ज़्यादा सूर्य नमस्कार करूँगा। सूर्य के 12 नामों को उच्चारण करते हुए आपको 12 सूर्य नमस्कार करने हैं और ऐसे 12 सूर्य नमस्कारों की एक श्रृंखला लेकर आप 12 के 1 सेट 2 सेट 3 सेट ऐसे कर सकते हो। यानी कि 12 सूर्य नमस्कार का 1 सेट ऐसे आप 2, 3, 4, 5 सेट कर सकते हो। यानी कि आपने 5 सेट कर लिए तो आपके 60 सूर्य नमस्कार हो जाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य नमस्कार एक ही सेट से शुरू कीजिए 12 से, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है।
सूर्य नमस्कार के बाद एक तो हम शांति से हमारा व्यायाम होने के बाद निश्चिंत रूप से होकर बैठेंगे या तो शवासन में लेट जाएंगे। हमारे शरीर की जो भी थकान थी उसको हमें कम करना है, इसलिए मन को शांत करने के लिए और मन शरीर जो स्ट्रेस में था उसे शांत करने के लिए हम शवासन या ध्यान में बैठेंगे। इससे आपके मन का जो स्ट्रेस है, शरीर का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और व्यायाम की थकान दूर हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।